नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ही नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने स्वाइन फ्लू की लगातार तीसरे दिन की समीक्षा। मुख्यमंत्री चौहान ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव का नर्मदा तवा संगम पर किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिन्हित निजी अस्पतालों में भर्ती स्वाइन फ्लू के ऐसे मरीजों जो चिकित्सा व्यय वहन करने में समर्थ नहीं है, उनका इलाज राज्य सरकार द्वारा करवाया जाएगा। यह व्यवस्था 28 फरवरी तक रहेगी। चौहान ने लगातार तीसरे दिन स्वाइन फ्लू की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू नियंत्रण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कल मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद राजस्थान तथा दिल्ली से लगभग 1 लाख टैमीफ्लू टैबलेट तथा पर्याप्त मात्रा में मास्क मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। प्रदेश के सभी 51 जिला चिकित्सालयों सहित सभी चिन्हित निजी चिकित्सालयों में टैमीफ्लू टैबलेट पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री चिकित्सालयों से अपील की है कि बीमा के इलाज में उदारता पूर्वक सहयोग दें। निजी चिकित्सालयों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से मरीजों के उपचार की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वाइन फ्लू इलाज के लिए निजी चिकित्सालयों के सहयोग की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों ट्रेन दुर्घटना में दोनों पैर गंवा चुके चंदन झा को देखने एक निजी अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चंदन को ढांढस बंधाया और कहा कि वह अपना सामान्य जीवन जी सकेगा। इलाज सहित उसकी पढ़ाई लिखाई तथा जॉब उपलब्ध करवाने में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था देखने आइसोलेशन वार्ड भी गए। चंदन झा बिहार के समस्तीपुर जिले के खरतुहावा गांव का रहने वाला है। बिहार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने भोपाल आया है। उसके माता पिता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आने से वह अब हमारा बेटा है। उसको कृत्रिम पैर लगवाए जाएंगे। इस बारे में अस्पताल को निर्देशित भी कर दिया गया है। ज्ञात होगी पिछले दिनों दिल्ली से आते हुए भोपाल से केरला एक्सप्रेस से उतरते समय स्लिप हो जाने से उसके दोनों पैर कट गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नदियों को प्रदूषित ना करने का संकल्प लेने की बात सभी से की है। उन्होंने कहा है कि नदियों को भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना गया है। हम नदियों की पूजा तो करते हैं, लेकिन नदियों को प्रदूषित भी हम ही करते हैं। मुख्यमंत्री चौहान होशंगाबाद जिले में नर्मदा तवा नदी के संगम स्थल बांद्रा बांध में चौथे अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा, लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्माधिकर स्वामी चिदानंद सरस्वती, अमृतलाल बेगड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी, सांसद अनिल माधव दवे सहित जनप्रतिनिधि और पर्यावरणविद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकाल वन प्रोजेक्ट में निर्मित किए गए हरिफाटक ओवरब्रिज की चौथी भुजा का लोकार्पण किया। लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 430 मीटर लंबी इस भुजा में महाकाल वन प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे इंटरप्रेजेंटेशन सेंटर की जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने सीएस 2016 के लिए कुल 114 निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। सभी कार्य की लागत 386 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन, राज्य योजना मंडल उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन, महापौर रामेश्वर अखंड, सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, लोकसभा सदस्य डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, मुख्य सचिव एंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह तथा उज्जैन के विधायक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।